हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 11 की एक्सरसाइज 3.3, ठीक है, जिसमें कि हमारे आज क्वेश्चन होंगे हमारे फिफ्थ से लेकर के अपने आगे तक के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में किए थे अपने फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे। अब करते हैं हम अपने फिफ्थ से शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। ठीक है, साइन 75 को किस तरीके से कर सकते हैं हम? डायरेक्ट हमारे पास साइन 75 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक हमने अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि किस किस तरीके से हम करते हैं अपना, और इंट्रोडक्शन में भी कहा है। तो आप सबसे पहले जा करके एक बार इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें, फिर उसके बाद करें। तो देखिए, करते हैं इसको कि इसको ब्रेक किस तरीके से कर सकता हूँ मैं। ठीक है, 75 को क्या लिख सकता हूँ और साइन में जिस जिसकी मेरे को वैल्यू भी पता हो। ठीक है, तो क्या हो सकती है 75 के लिए, क्या लिख सकता हूँ मैं? 75 है, ठीक है, एक हो जाएगा क्या 30, और एक हो जाएगा हमारा क्या 45। ठीक है, तो क्या कर लिख सकता हूँ, 45 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इसमें ब्रेक कर सकते हैं ना, 45 प्लस 30 कितना होता है हमारा 75। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन ये हो जाएगा, साइन गिवन है क्या साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो इसको ब्रेक किया, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें ब्रेक कर दिया तो ये हमारा ना कुछ फॉर्मूला बन गया। देखो क्या फॉर्मूला है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये लिखा है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, या तो साइन ए प्लस बी बोल दो, या कोई कोई साइन एक्स प्लस वाई भी बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, क्या होता है हमारा, अब ये फॉर्मूले से करेंगे हम इसको। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस साइन वाई, यही होता है हमारा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में को हम यहाँ पे रखेंगे और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से, साइन एक्स, एक्स क्या बन गया अब हमारा 45, एक्स हो गया 45, वाई हो गया हमारा 30, ये एक्स और ये वाई, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस फॉर्मूला हमने ये लिखा हुआ है और वहाँ से यहाँ कर देंगे इसको। ठीक है, साइन एक्स, साइन एक्स यानी कि 45, साइन 45, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कॉस वाई, कॉस वाई की वैल्यू 30, यहाँ से कॉस 30 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस, प्लस आ गया हमारा, अब कॉस एक्स यानी कि कॉस 45 डिग्री, और मल्टीप्लाई में फिर साइन 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया, अब करते हैं इसको, अब जो जो वैल्यू अब हमको इन सब सारे फंक्शन की हमारे को अपनी वैल्यू पता है, साइन 45 की पता है, कॉस 30 की भी पता है, कॉस 45 की पता है, और साइन 30 की भी पता है हमें को। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/ अंडर रूट 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में कॉस 30, कॉस 30 यानी कि जो 60 की होती है, साइन 60 की, साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2, तो 30 भी क्या होगा, रूट 3/2। ठीक है, प्लस का प्लस आ जाएगा, अब कॉस 45 जो साइन 45 होता है, ठीक है, 1/√2, और ये क्या आ जाएगा, साइन 30 1/2। ठीक है, समझ में आया, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम इसको, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। ठीक है, प्लस का प्लस आ जाएगा, फिर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2√2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, अब क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ से हम इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2√2 का, तो क्या आ जाएगा, 2√2 ही आएगा, 2√2, ये आ गया एलसीएम। अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपल, नीचे वाला कैसा है, सिंपल लिखा हुआ है ना, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में वैल्यू कैसी है हमारी, सेम लिखी हुई है, तो ऊपर वाली कैसी हो जाएगी, डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। अगर डिफरेंट होती दोनों जगह पे, तब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अभी नीचे की ऐसे लिख देते हैं और ऊपर को भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 + 1। ठीक है, समझ में आया, और ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर।
ठीक है, तो निकल गई हमारे पास साइन 75 की वैल्यू का निकल गया रूट 3 प्लस 1 बाय टू रूट टू निकल के आ गई है। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से रूट कैंसिल आउट भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर में से रूट हटा करके उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे हमारा अपना रैशनलाइजेशन कर देंगे इनका, टू से ऊपर भी और टू से नीचे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो उसे सॉल्व करेंगे, अपना रूट टू भी हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिया है हमको हमारे फिफ्थ का ही सेकेंड पार्ट है, अब करना है इसमें क्या, टेन फिफ्टीन को करना है। ठीक है, टेन फिफ्टीन को तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी हम क्या कर सकते हैं अपना ब्रेक करेंगे टेन फिफ्टीन को। टेन फिफ्टीन को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, देखो टेन 15 डिग्री दिया हुआ है, 15 डिग्री को, 15 डिग्री की तो कोई वैल्यू पता नहीं है हमको, किस किस की पता है, एक तो 30 की पता है, 45 की पता होती है, जीरो की पता है, 60 और 90 की। ठीक है, तो उसके में ब्रेक करते हैं इसको, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि 45 माइनस अगर मैं कर दूँ 30 तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 15 मिल जाएगा ना, ये आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक किया मैंने इसको, अब यहाँ पे करते हैं इसको, देखो सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन है टेन 15 डिग्री। ठीक है, टेन 15 डिग्री को किस में ब्रेक किया हमने, अपना 45 माइनस 30 में, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 टेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ये देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, ये टेन एक्स माइनस वाई का, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन रहा है, उसको लिख लेते हैं अपना यहाँ पे tan x माइनस वाई। तो tan x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे को पता है, tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x और tan y। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और अपना ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, अब हमारे पास x क्या है 45, y क्या है 30 डिग्री, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। ठीक है, देखो क्या फॉर्मूला है, tan tan x, x कितना है 45 डिग्री, ठीक है माइनस का माइनस आ जाएगा, tan y है तो y की जगह पे 30, ठीक है अपॉन में 1 प्लस tan x tan y, यानी कि tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, टेन 45 कितना होता है 1 आ गया, माइनस के माइनस, टेन 30 कितना होगा हमारे पास 1 अपॉन रूट थ्री आ गया। ठीक है, अब अपॉन में फिर से 1 का 1 आ जाएगा एज इट इज़, प्लस का प्लस, अब टेन 45 फिर से 1 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, टेन 30 1 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको नीचे इसमें ये जो 1 था हमारा, इसको इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, अब 1 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें। ठीक है, ऊपर वाले को एज इट इज़ रहने दो, अभी 1 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री अपॉन में इसको क्या हो जाएगा, ये भी 1 प्लस 1 अपॉन रूट थ्री हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसका भी ऊपर भी एलसीएम और नीचे भी एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये देखो क्या है कि ये एलसीएम लेंगे तो रूट थ्री और रूट थ्री माइनस 1 अपॉन में यहाँ से फिर एलसीएम लूँगा तो फिर से नीचे रूट थ्री और ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये क्या होना हो जाएगा रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री। ठीक है, अब रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास रूट थ्री माइनस 1 अपॉन में रूट थ्री प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया रूट थ्री माइनस 1 और रूट थ्री प्लस 1। ठीक है, अब ये किस तरीके से है हमारे पास यहाँ पे, इसको ना तो नीचे रूट से को हटाना है हमको, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, नीचे वाले नंबर का ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी कि रूट थ्री और साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस 1 अपॉन में रूट थ्री माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर वाला देखो क्या बन रहा है हमारे पास, रूट थ्री माइनस 1 रूट थ्री माइनस 1, तो ये तो हो जाएगा हमारा रूट थ्री माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको आइडेंटिटी में खोल देंगे हम अपना। ठीक है, देखो किस तरह से ये रूट थ्री माइनस 1 इसका होल स्क्वायर हो गया, और नीचे वाली क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी, तो अपॉन में यानी कि a का रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया।
अब इसको देखो, यहाँ पे खोल देते हैं, इसको किस फॉर्म में खोल देंगे हम अपना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो यानी कि ए स्क्वायर है, यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, टू ए बी यानी कि टू मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री और मल्टीप्लाई बाय वन, ये हो गया, और अपॉन में हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री आ जाएगा, ये आ गया थ्री और माइनस वन, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, यहाँ से भी रूट से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थ्री आ गया केवल, और यहाँ पे प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा माइनस के टू रूट थ्री, और अपॉन में टू आ गया, थ्री माइनस वन टू आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये वन है। अब यहाँ इसको पूरा करके लिख देंगे हम अपना, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये आ गया फोर, थ्री प्लस वन फोर हो गया, फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू हो गया, तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया, समझ में आया।